बीता उनके स्टार कपल अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन भले ही अभी स्टारडम से दूर हैं, लेकिन वो लाइमलाइट से खुद को दूर नहीं रख पाती हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी तमाम फैन फॉलोइंग इस बात की ओर इशारा करती हैं कि फैंस उन्हें फिल्मी स्क्रीन पर देखने के लिए बेकरार हैं। खैर, यहाँ हम उनकी फिल्मी करियर की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, अपने फैशन सेंस से लोगों को हैरान करने वाली न्यासा देवगन इन दिनों अपनी डिनर डेट की वजह से सुर्खियों में है। इन दिनों काजोल की लाडली बेटी बिजनेसमैन वेदांत महाजन को डेट कर रही है, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि बीते 5 महीने पहले ही न्यासा का गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा से ब्रेकअप हुआ है, जिसके बाद से ही न्यासा वेदांत महाजन के साथ स्पॉट होती नजर आई हैं। दरअसल जब न्यासा और यशवर्धन एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो अक्सर उन्हें साथ घूमते हुए और डिनर डेट पर स्पॉट किया जाता था, लेकिन जब से दोनों का ब्रेकअप हुआ है तभी से न्यासा वेदांत महाजन के साथ ही पार्टी करती नजर आती है। अब भले ही इस ब्रेकअप के बाद मैडम न्यासा ने मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन लगता है कि गोविंदा के लाडले बेटे यशवर्धन अभी न्यासा को भूल नहीं पाए हैं। दरअसल मीडिया में खबरें हैं कि यशवर्धन एक बार फिर से न्यासा के साथ हुकअप करना चाहते हैं। अब यशवर्धन को क्यों न्यासा की इतनी याद सता रही है, ये तो वही बता सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि गोविंदा के बेटे यशवर्धन ने अपनी लव लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आज से 5 महीने पहले गोविंदा के बेटे यशवर्धन का अजय देवगन की लाडली बेटी न्यासा से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद से ही खबरें हैं कि यशवर्धन एक बार फिर से न्यासा के पास वापस जाना चाहते हैं। खबरें हैं कि न्यासा ब्रेकअप के बाद से ही वेदांत महाजन को डेट कर रही हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन यशवर्धन आहूजा का अपनी एक्स को किसी और के साथ देखना कुछ खास रास नहीं आ रहा है। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि यशवर्धन अब तक न्यासा को भूल नहीं पाए हैं, इसीलिए ब्रेकअप के बाद भी अभी तक यशवर्धन सिंगल हैं और न्यासा के लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल यशवर्धन न्यासा के साथ बिताए वो क्वालिटी टाइम को काफी मिस कर रहे हैं, ऐसे में वो न्यासा को पाने के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। लेकिन न्यासा की वेदांत संघ नजदीकियां बता रहे हैं कि वो अब यशवर्धन के पास वापस नहीं आना चाहती हैं। तो क्या अब यशवर्धन न्यासा को वापस अपनी जिंदगी में ला पाएंगे, ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताया। लेकिन बात अगर उनकी फिल्मी करियर की करें तो जल्द ही दोनों बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं, पर वो दोनों ही किस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं अभी तक इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वेल दोस्तों, आपको न्यासा और यशवर्धन से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।